और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अब हमला किया है। ये अहम खबर इस वक्त की, कल ही पाकिस्तान ने ईरान को चेताया था कि अंजाम भुगतना होगा, और अब पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया है। अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, ड्रोन से हमला किया गया था, मिसाइलें दागी गई थी, और अब पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो चेताया था पाकिस्तान ने ईरान को कि ये जो हमला किया है इसका अंजाम भुगतना होगा, इसे अपनी संप्रभुता के ऊपर हमला बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से। और अहम जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़नी है, कल से ही लगातार न्यूज 18 इंडिया ये बात आपको बता रहा था। अब इसके आगे की जानकारी देने के लिए न्यूज 18 इंडिया के संदीप बोल मेरे साथ जुड़ गए, वो आपको बताएंगे। संदीप, पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर हमला किस जगह किया गया है, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके के स्ट्राइक किए हैं, जो कि वहाँ की मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि ये स्ट्राइक हुए हैं, रात को एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है, बेसिकली ये उन्हीं बलूच मिलिटेंट ग्रुप के अड्डों पर अटैक किए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से ईरान ने कल अटैक किए और ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप पर अटैक किए, लेकिन वो पाकिस्तान की जमीन पर किए गए अटैक थे, और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की मीडिया जो दावा कर रही है कि उसने भी ईरान के अंदर जाके उसी मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर अटैक किए, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हमने ईरान पर अटैक नहीं किया, हमने तो वहां के मिलिटेंट ग्रुप पर अटैक किया है, जो कि बलूचिस्तान सिस्तान करके जो जगह है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के बलूचिस्तान स्थान, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, आधा हिस्सा जो है ईरान के पास है, आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तो उसी तरीके का वो प्रोविंस है जहाँ पे ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये बहुत ज्यादा सक्रिय था। तो अब पाकिस्तान ने भी उसी मिलिटेंट ग्रुप को हिट किया है, तो वहाँ की मीडिया दावा कर रही है, और ईरान ने भी उसी मिलिटेंट ग्रुप को हिट किया था लेकिन पाकिस्तान में, तो एक तरीके से उसी तरीके का मैसेज दिया गया है। और अभी फिलहाल पूरी तरीके से ईरान की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन इतना बताया है पाकिस्तान ने जिस तरीके का बात कही थी कि वो भी स्ट्राइक करेगा, उनके एयरफोर्स भी जो है उसका पलटवार कर सकते हैं, तो अभी जो मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि रात को जो है स्ट्राइक की गई है कुछ लोकेशन में, और जगह जो है वो बताई जा रही है ईस्टर्न ईरान, जो कि थरन शहर पास में है। जी संदीप, देखिए अयोध्या नहीं पूरा देश, पूरी दुनिया राममय है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी हमारे साथ में हैं।